96 साल का सेवा दल का भी इतिहास है, हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना। अपेक्षा करता हूँ अपने सेवा दल के साथियों के साथ में, और मैंने प्रण लिया है यदि इन्होंने यदि मेरे उस वचन को उन्होंने पालन किया, आने वाले समय में सेवा दल इस गोंडी विधानसभा में दिखाई देगी। और जिला अध्यक्ष साहब को ये बताने के लिए कि एक सेवा दल आपका जो सेवा दल का दिया हुआ पोस्ट है वो सेवा दल पूरे तरीके से काम कर रहा है। सर ये जो बात है टिकट का, तो हमारे साहब अभी खड़े हुए हैं, टिकट के बारे में हमारे साहब बोलेंगे। यहाँ से सेवा दल को टिकट मिले और यहाँ से जीत करके आए। नसीम शेख कह रहे हैं कि कांग्रेस सेवा दल यहाँ पे चुनाव लड़ेगी मुंबई महानगर पालिका का, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसको ये तो हमारी एक हम तो सेवा के साथ में सेवा दल में है, तो हम सेवा करते हैं। नहीं, सेवा दल के माध्यम से हम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी भी रखते हैं। और ये कांग्रेस मतलब आपको ऐसा लगता है कि सेवा दल को मतलब टिकट मिल सकता है वार्ड नंबर 134? जी सर, मैं तो हाँ, हम तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे माध्यम से सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो टिकट मिलना चाहिए। हॉल में आज सेवा दल के माध्यम से मैंने बताया कई सालों के बाद नसीम भाई शायद इसके पहले भी गिरा होगा एक दो होगा। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोविंडी के शिवाजी नगर में कांग्रेस का ब्लॉक ऑफिस में, जहां पे कांग्रेस सेवा दल का एक कार्यक्रम आज चला है। उस कार्यक्रम के आयोजक रहे नसीम शेख, कांग्रेस सेवा दल के तालुका अध्यक्ष है मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा से। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का आज ये प्रोग्राम रखा गया था, तो बताइए। पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष साहब के नेतृत्व में हुआ है। ये कुछ लोगों को पोस्टिंग देना था और काफ़ी जनसंख्या में जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जो आज हमारा बल यहाँ मौजूद हुआ है, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए और जिलाध्यक्ष साहब को ये बताने के लिए कि एक सेवा दल आपका जो सेवा दल का दिया हुआ पोस्ट है वो सेवा दल पूरे तरीके से काम कर रहा है मानपुर शिवाजी नगर में, और आने वाले भविष्य में इससे भी और बड़ा से बड़ा काम करता रहेगा। और जो ये हमारा जो कार्यक्रम लगा है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये प्रयास है कि सेवा दल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मतलब मेन मकसद क्या रहा, जैसा कि आपने बताया कि सेवा दल टिकट मांग रहा है मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में, तो कितने टिकट मांग रहे हो? तो सर ये जो बात है टिकट का, तो हमारे साहब अभी खड़े हुए हैं, टिकट के बारे में हमारे साहब बोलेंगे। फिर भी मैं एक उनके एक शिष्य के नाते मैं बोलना चाहूँगा कि मानकुर शिवाजी नगर में नौ वार्ड होते हैं, उस नौ वार्ड में से एक वार्ड क्रमांक 134 उस पर हमारा सेवा दल का ज़्यादा काम है, और वहाँ पे काफ़ी लोगों को रुझान भी है कि यहाँ से सेवा दल को टिकट मिले और यहाँ से जीत करके आए। क्या कहेंगे आज ये मीटिंग हुई है? आज की यह विशेष हमारी मीटिंग जो थी 26 दिसंबर
कांग्रेस सेवा दल का दल दिवस होता है और 28 दिसंबर का हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस होता है, तो हम उसके संयुक्त इसमें एक स्नेह बैठक जिसको कह सकते हैं या एक संगठन की जो बैठक है हमने आयोजित तालुका अध्यक्ष के माध्यम से करवाई यहाँ पे गोंडी में। ये एक रूटीन प्रक्रिया है हमारी और हमने जो खास करके आज विशेष दल दिवस के ऊपर हमें यह लोगों को जागृत करना था कि सेवा दल क्या है और कांग्रेस क्या है। कांग्रेस पार्टी के साथ में सेवा दल प्रथम अंग है जो कि 1923 से लगातार संगठन पार्टी के लिए काम करता आ रहा है। तो आज हमने दल दिवस की जो बैठक के उपलक्ष्य हमने यह विशेष आयोजन करवाया आज इनके माध्यम तालुका अध्यक्ष के माध्यम नसीब चेक के माध्यम से। तो यही हमारा आज का उद्देश्य था आज यहाँ पे। जैसे कि ये नसीम शेख कह रहे हैं कि कांग्रेस सेवा दल यहाँ पे चुनाव लड़ेगी मुंबई महानगर पालिका, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसको ये तो हमारी एक हम तो सेवा के साथ में सेवा दल में हैं तो हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा दल के माध्यम से हम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी भी रखते हैं और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, एसवाई हो, महिला हो, जो भी हमारे सेल हैं, फ्रंटल हैं, वो उन्हें सभी को एक समान विचारधारा के तहत उनको टिकट दिया जाता है। वो सहज प्रक्रिया है और आने वाले समय में जो जब मतदान की प्रक्रिया इलेक्शन की प्रक्रिया चलेगी तो उसमें भी सेवा दल को भी देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उनको भी टिकट मिलने का उतना ही हक है। और इसको हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है मुंबई कांग्रेस है और उसके ऊपर जो लोग हैं तो उनके ऊपर उसके ऊपर विचार करेंगे और हमारे कामों को देखते हुए जो सहज है कि वो देंगे, ऐसा मैं भरोसा रखता हूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सेवा दल को मतलब टिकट मिल सकता है वार्ड नंबर 134? जी सर, मैं तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे माध्यम से सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो उन टिकट मिलना चाहिए। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा है नसीम शेख ने, तो हौसला अफजाई में क्या कहेंगे? मैं उनकी तो हमेशा तारीफ करता रहता हूँ ऐसा, लेकिन आज मैंने वो सारी बातें बताई जो सेवा दल में हमारे आज़ादी के पहले नेताओं ने, आज विशेष दल दिवस के ऊपर मीटिंग थी तो हमने बताया कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू जैसे बड़े बड़े दिग्गज, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, सेवा दल के कांग्रेस सेवा दल के प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया 1923 में, तो नारायण सुब्बाराव हार्डिकर जी जो संस्थापक रहे सेवा दल के, तो आज मैं उनको यही लोगों को बताया और जन जागृति मैंने की कि सेवा दल कोई पार्टी के लिए काम करता है तो आज उसका इतिहास है, 96 साल का सेवा दल, 136 साल अधिक कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, साथ में 96 साल का सेवा दल का भी इतिहास है। हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सभी लोग मिलकर काम करना चाहिए और आने वाले समय में यदि हम सभी लोग मिलकर गोंडी के जितने फ्रंटल और जितने सेल और कांग्रेस पार्टी के लोग यदि मिलकर एक साथ में काम कर लेंगे आने वाले हमारे पुराने दिन गोंडी विधानसभा में वापस लौट आएंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ अपने सेवा दल के साथियों के साथ में। और मैंने प्रण लिया है यदि इन्होंने यदि मेरे उस वचन को उन्होंने पालन किया आने वाले समय में सेवा दल इस गोंडी विधानसभा में दिखाई देगी। जैसा कि देखा कि हमने नसीम शेख से बात किया जो तालुका प्रेसिडेंट हैं यहाँ मानखुर शिवाजी नगर विधानसभा के, और उसी तरह से उनके बाद हमने जिला अध्यक्ष से बात की जो कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष थे। इसी तरह से देश प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़, मैं फैसल खान, मुंबई। मैं फैसल खान, क्या पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का, देश के नंबर वन न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का, तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।